आपल्या अनोख्या अंदाजाने प्रसिद्ध असलेला नागपूरचा डॉली चायवाला याची सध्या भारत दौऱ्यावर असलेले प्रसिद्ध उद्योगपती बिल गेट्स यांनी भेट घेऊन त्याच्या हाताच्या चहाचा आस्वाद घेतला. बिल गेट्स यांच्यासोबत आपण भेटायला जात आहोत याची कोणतीही कल्पना डॉलीला देण्यात आली नव्हती. फक्त विदेशातील एका व्यक्तीला भेटायचं आहे असं म्हणून डॉलीला हैदराबादमध्ये बोलावण्यात आलं. हैदराबाद येथील एका ठिकाणी चहाचा स्टॉल लावून आपल्या अनोख्या स्टाईलने डॉलीने चहा बनवून बिल गेट्स यांना पाजला. नंतर बिल गेट्स यांनी तो व्हिडिओ आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला. डॉली घरी आल्यावर 2 दिवसांनी व्हिडिओ पाहिल्यानंतर त्याच्या मित्रांकडून त्याला कळलं की त्याने कोणासोबत व्हिडिओ बनवलाय. इतकी या भेटीत गोपनीयता ठेवण्यात आली होती. डॉलीवर साऊथ मूवीचा प्रभाव असल्याने तो रजनीकांतला कॉपी करत असतो. सिव्हिल लाईन येथे असलेल्या छोट्याशा चहाच्या टपरीवर चहा पिण्यासाठी मोठी रांग लागलेली असते. चहा पिल्यानंतर अनेक लोक त्याच्यासोबत सेल्फी काढत असतात. त्यामुळे डॉली अगोदरच देशभरात समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. मात्र बिल गेट्सच्या भेटीनंतर आता तो जगप्रसिद्ध झाला असं म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. आणि आता डॉलीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या हाताने तयार केलेली चहा पाजवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. बिल गेट्स जैसे बड़े उद्योगपति आपने बुलाया था, किस तरह का अनुभव था, क्या हुआ था, किस तरह से आपको सरप्राइज मिला, पूरा बताइए. हमने देखिए, मैं सिर्फ गया था अपने इवेंट के लिए, काम के लिए गया था, चाय के लिए. मेरा हाँ, मेरा एक वीडियो था वहाँ पे, जो मेरे को बुलाए थे वहाँ पे. मेरे को ये भी नहीं पता था कि फॉरेन कंट्री के कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ पे. मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता था कि जो मेरे को मिले वो इतने बड़े आदमी है करके. मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था. कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, जबलपुर का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा गया, बड़ा मजा आया वहाँ पे. हैदराबाद का मेरे को बहुत मजा आया हैदराबाद में. कब हुआ था ये शूट? 3 दिन पहले. अच्छा, और उस समय क्या बता के आप नागपुर से गए थे? मैं वहाँ पे मेरे को बुलाए थे, उनकी टीम थी एक, वो टीम ने मेरे को बुलाए थे और मेरे को बोले डॉली आपका कुछ वहाँ पे जो चाय का है वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा. बोले तो ठीक है, बोला मैं आता. बोला तो फिर मेरे को उनकी टीम की तरफ से जाना पड़ा और फिर मैं हैदराबाद गया. फिर वहाँ पे एक होटल में मेरे को रुकाए, फिर सर्विस अच्छी दी. हाँ, यानी अच्छा लगा मेरे को होटल में. फिर मेरा वहाँ पे पहले दिन आधा शूट हुआ और अगले दिन आधा शूट हुआ, यानी सेकेंड टाइम गया था तो पूरा एग्जैक्टली वो शूट पूरा हो गया कम्प्लीट. आपकी जो स्टाइल है ये आपको कब पता चला कि बिल गेट्स ने वो जो वीडियो है जो बना था वो इंस्टाग्राम पे? मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि जो फॉरेन कंट्री के जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे, 8 लोग थे फॉरेन कंट्री के, तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं मालूम था कि उसमें से जो आप लोग. अगले दिन पता चला मेरे को ये पूरा कि जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है, तो ये बहुत बड़ी हस्ती है. बोले ये अगले दिन मेरे को पता चला. भाई आप भी ऐसा लग रहा है उद्योग करते हैं और विश्व के इतने बड़े उद्योगपति ने आपकी प्रशंसा की, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. और क्या बोला था? अब कैसा लग रहा है कि इतने बड़े उद्योगपति से आप मिलने के बाद जो आप तो फेमस थे, अब तो वर्ल्ड फेमस हो गए? बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं नागपुर से डॉली चाय वाला बना हूँ. क्या बात हुई थी? मैं कुछ बातें, मेरी कुछ भी बातें नहीं है. जो टीम थी, मेरे को टीम ने जो बोले कि बस डॉली आपका काम ये है, बस मेरे को अपना काम करने का है और मेरे को अपना 100 देना था काम पे, तो मैंने बस वही काम किया. तब मेरे सामने खड़े थे, मेरे को बिल्कुल ऐसे लगा फॉरेन कंट्री का बंदा खड़ा है, तो मैंने उनको चाय पिलाया बस. आपको नहीं पता था? बिल्कुल नहीं पता. आपके स्टाइल के बारे में बताइए, कब से आप ये कर रहे हैं? शुरू में आपके दिन कैसे हुए थे? हाँ जी हाँ, शुरू में मेरे दिन बहुत बेकार थे. मैं यहाँ पे अपना साइकिल से आता था और ये हमारे जो बड़े भैया है, सबसे पहले तो शैलेश भैया ने शॉप चालू किए और फिर धीरे धीरे 2007 से मेरी एंट्री हुई यहाँ पे. फिर धीरे धीरे मैं अपना कप्तान जैक स्पैरो, जॉनी टेप, उनको भी फॉलो किया मैंने, और उसके बाद में मैंने अपना साउथ की मूवी बहुत ज़्यादा देखता हूँ मैं. साउथ में रजनीकांत जी जो भगवान मानते हैं उनको, और मैं भी भगवान ही मानता हूँ उनको, तो जो उनका दुपट्टे का स्टाइल, मेरा गिलास उठाने का स्टाइल, मैं थोड़ा थोड़ा कॉपी करता सबको. तो क्या भविष्य में रजनीकांत को चाय पिलाएंगे? बिल्कुल पिलाएंगे. अभी तो एक ही ख्वाहिश है मेरी वाली कि अभी देखो इतने जो इतने आप लोगों ने मेरे को अगले दिन पता चला कि जो मैंने चाय पिलाया ये बहुत बड़े आदमी हैं. अब मैं सिर्फ एक ही ख्वाहिश है मेरी वाली कि और एक बंदे को मैं चाय पिलाना चाहता हूँ, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हाँ उनको चाय पिलाना चाहता हूँ बस. रजनीकांत उनको भी पिलाएंगे, क्यों नहीं पिलाएंगे.